बिसम रिम असल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल हीना हेल्थ फ्रेंड आज के इस वीडियो में फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको क्या ऐसे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं जिसको आप पहचान के अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन ऐट दी एंड उनके पीरियड आ जाते हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाती इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे के वीडियो में और अर्ली प्रेगनेंसी में आपको जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है इसलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड मैं आपको गर्भ धारण करने की सबसे पहले एक छोटी सी प्रक्रिया बता देती हूँ महिलाओं को हर महीने पीरियड्स होते हैं और वो पीरियड आने के बाद ही उनके गर्भ धारण करने का प्रोसीजर शुरू होता है इसलिए कहते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो पीरियड आपके रेगुलर आने ज़रूरी है इसलिए आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर का यही क्वेश्चन होता है कि क्या आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो फ्रेंड अगर आपको पीरियड रेगुलर आते हैं तो आप गर्भ धारण ईजीली कर सकते हैं जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उसी समय आपकी ओवरीज़ में अंडे बनने शुरू होते हैं आपकी ओवरीज में जब अंडे ये बनते हैं तो धीरे धीरे करके ये ग्रो करना शुरू करते हैं आपके पीरियड के ट्वेल्थ डे फोर्टीन डे या फिफ्टीन डे पे ये अच्छी तरीके से मेचोर हो जाते हैं और रप्चर होने की तैयारी करते हैं हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हारमोन्स होते हैं जो उनको ट्रिगर करते हैं रप्चर करने के लिए जैसे ही एक अंडा रप्चर हो जाता है वैसे हमारे पास दो ओवरीज होती है एक यूट्रस होता है और दो फेलिपिन ट्यूब होती है हर महीने एक ही ओवरी काम करती है और अंडा बनाती मान लीजिए अगर इस मंथ राइट ओवरी अंडा बना रही है तो नेक्स्ट मंथ लेफ़्ट ओवरी अंडा बनाती है इसी तरीके से हर महीने अल्टरनेट ओवरीज अंडा रिलीज़ करती है अब आपकी ओवरी ने अंडा रिलीज़ कर दिया फेलिपिन ट्यूब को कैप्चर कर लेती है और अपने अंदर ले लेती है उसके बाद में अगर आप इस टाइम पे रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक स्पम जाता है उस अंडे तक उसको फर्टिलाइज़ करता है और धीरे धीरे करके ये फर्टलाइज एग ट्रैवल करते हुए फेलिपिन ट्यूब से यूट्रस में आता है और इम्प्लांट हो जाता है यानी यूट्रस की लाइने में चिपक जाता है और आपको प्रेग्नेंसी कंसीव हो जाती है तो फ्रेंड प्रेग्नेंसी कंसीव करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर होते हैं उसके बाद ही सक्सेसफुली गर्भधारण होता है अब फ्रेंड जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ खास सिम्टम्स दिखते हैं जिसको पहचान के आप अपनी प्रेगनेंसी को इजीली कंफर्म कर सकते हैं वैसे तो महिलाओं में हार्मोन्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हार्मोन का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे एच आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है प्रोजेस्टॉन बनना शुरू हो जाता है जो मेनली ये हारमोन्स होते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए तो आपको हाई ये सारे सिम्टम नज़र आ सकते हैं ब्रेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं नॉइज या वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन पास करने की जरूरत पड़ सकती है हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो सकता है काफ़ी महिलाओं को डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम भी होती है किसी को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और माइल्ड पेल्विक क्रैम्प्स भी होते हैं बहुत सी महिलाओं को और किसी किसी को टायर्डनेस फील होती है किसी को रात को नींद नहीं आती है तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं फ्रेंड वो अर्ली प्रेगनेंसी में इंक्लूड होते हैं अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप पक्का प्रेगनेंट हैं अब फ्रेंड ये तो हो गए नॉर्मल सिम्टम्स अब कुछ ऐसे हटके भी सिम्टम्स होते हैं जो आपको अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में नजर आ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू के पार्ट में बताया कि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसके कारण आपकी बॉडी सर्वाइकल म्यूकस बनाती है ये म्यूकस इस तरीका दिखता है एकदम गाढ़ा दिखता है आपकी फिंगर पे जैसे मैं यहाँ पे ऊपर इमेज दिखा रही हूँ ये अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है फ्रेंड तो ये तो हो गया नॉर्मल डिस्चार्ज बहुत सी लेडीज को क्या होता है इस वाइट डिस्चार्ज के अंदर हल्का सा ब्राउन ब्लड भी निकलता है तो बहुत ज़्यादा वो टेंस्ड हो जाते हैं कि कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया कहीं कोई घबराने वाली बात तो नहीं है क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो फ्रेंड मैं आपको कहना चाहूँगी ये बिल्कुल भी नॉर्मल है किसी किसी को क्या होता है इम्प्लान्टशन काफ़ी ज़्यादा लेट होता है उस कारण से वो आपको हल्की सी स्पॉटिंग नज़र आती है आपको वाइट डिस्चार्ज के अंदर ही थोड़ा सा ब्राउन कलर का ब्लड नज़र आएगा तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है अगर आपको दिन में एक बार ऐसा दाग लगता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है अर्ली प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को मैंने देखा है कि ऐसा प्रॉब्लम होता है अर्ली प्रेगनेंसी में लेकिन उनकी प्रेगनेंसी पूरे नाइन मंथ तक हेल्दी होती है और वो हेल्दीली बेबी को डिलीवर भी करते हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं अगर आपको हल्का सा ब्लड का स्पॉट दिखता है या स्पॉटिंग दिखती है तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल भी नॉर्मल है हाँ लेकिन अगर आपको पीरियड जैसा अगर क्रैम्प हो रहा है आपको ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है क्लॉटिंग्स निकल रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर्स को दिखाइए शायद हो सकता है कि आपका मिसकैरेज भी हुआ होगा फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैंने आपको गर्भ धारण करने की एक छोटी सी प्रक्रिया बताई प्रेग्नेंसी के अर्ली कुछ सिम्टम्स बताए हैं और कुछ ऐसे भी सिम्टम्स बताए हैं जिसको देख के आप घबरा सकते हैं लेकिन जो कि वास्तविक में बिल्कुल भी नॉर्मल है और फ्रेंड आपको मैं ये भी सलाह देना चाहूंगी अगर आपकी पीरियड की ड्यू डेट मिस हो चुकी है तो जल्दी ही प्रेग्नेंसी टेस्ट करने का निर्णय ना लें एक हफ्ते से लेकर कर दस दिन का इंतज़ार ज़रूर करें और उसके बाद ही प्रेग्नेंसी टेस्ट करें क्योंकि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बीटा एच सी हार्मोन बनना शुरू होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है आपकी प्रेगनेंसी में दो लाइन भी इसी वजह से आती है क्योंकि बॉडी में एच हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप अर्ली स्टेज पे करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाए इवन आप प्रेग्नेंट है इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें थोड़ा वक्त ले थोड़ा समय ले उसके बाद ही प्रेग्नेंसी टेस्ट करें और फ्रेंड अगर आपकी पीरियड की ड्यू डेट मिस हो चुकी है आपके पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें देखिए कि क्या रीज़न है आपके पीरियड ना आने का जिन भी महिलाओं के पीरियड इरेगुलर है किसी भी कारण से तो ऐसी महिलाएं अजवाइन जीरा ड्रिंक लेके अपने पीरियड्स को ला सकती हैं इजीली लेकिन अगर आपके पीरियड हर महीने रेगुलर आते थे इस महीने अगर वो मिस हो चुके हैं पीरियड भी नहीं आ रहे हैं प्रेगनेंसी भी नहीं है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए हो सकता है कि आपका बीटा एस हार्मोन काफ़ी ज़्यादा लेट बढ़ रहा है आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो इसलिए डॉक्टर की सलाह मशूर ज़रूर लें प्रेगनेंसी एक काफ़ी ज़्यादा सेंसेटिव टॉपिक होता है फ्रेंड प्रेगनेंसी के बारे में खुल के सब कुछ नहीं बताया जाता है यूट्यूब पे लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ खुल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी मिस्टिक से भी बहुत से लोगों का मिसकैरेज हो जाता है या फिर वो अपनी प्रेग्नेंसी को खो देते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं माइंड फ्री रह के आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए कोई भी तरह का टेंशन ना ले अपनी डाइट को हेल्दी रखिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए अपनी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखिए और साथ में ही आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहिए अपना चेकअप करवाते रहिए अगर आपको कोई भी तरह का बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा था तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें अब फ्रेंड हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आने वाले हैं इस पर कि मैम हर महीने प्रेगनेंसी के सिम्टम आते हैं लेकिन हमारे पीरियड आ जाते हैं आपने भी बहुत ज़्यादा कमेंट में ये कॉमन क्वेश्चन सुना होगा तो फ्रेंड मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं होता ये पी का सिम्टम होता है पीरियड आने से पहले आपकी बॉडी इंडिकेशन देती है कि आपका पीरियड आने वाला है अक्सर ये उन्हीं महिलाओं के अंदर होता है जिनके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि हर महीने प्रेगनेंसी के सिम्टम आते हैं फिर पीरियड आ जाता है तो आप अपने अच्छे से कोई डॉक्टर को दिखाइए अपने हारमोन्स के चेकअप करवाइए और अपने हारमोन्स को बैलेंस करने के लिए ट्रीटमेंट लीजिए तो आपको ये पी के सिम्टम बिल्कुल भी नहीं आएंगे जब आप प्रेग्नेट होंगे तभी ही आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आएंगे ठीक है हालांकि ये बात अलग है कि पीएमएस और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हू बहू मैच करते हैं लेकिन उसके अंदर डिफरेंस लेना आपका काम है अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो लकीली आपके चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे लेकिन अगर आपको हर महीने प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हुए भी आप प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे हैं यानी आपकी बॉडी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है हारमोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत है आई होप ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक और न्यू टेस्ट के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़